Good morning, coach. भाई दवाई जो डर लिए सुन जेम्स को लाओ सुन हमने भी हो गया आज की हमारी एक्सरसाइज स्ट्रेच बैंड इसका अभ्यास करने से एक हैंड मजबूत बनेगी तो इसका अभ्यास हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो दोनों पैर के बीच में शोल्डर के काम कर दोनों हाथ हिप्स के ऊपर अभी पैर हम बेसिक करेंगे बच्चों बेसिक आपको कैसे करना है उसके बाद करने की करेंगे। सेकेंड पिक्चर में दोनों हाथ फिंगर को लॉक करके बगल के पास में अभी हम करेंगे थर्ड पिक्चर जब ये सेकेंड पिक्चर पे हो तो उसके साथ पैर को पैर के फिंगर पे आपको मैनेज करना पूरी एक्सरसाइज आपको फिंगर पे करनी है पूरा पैर रखना नहीं है आपको एक्सरसाइज पैर को जो फिंगर है उस पर बैलेंस करके करना है और फिंगर के पिक्चर पर पिक्चर पे में बिल्कुल डांट के बाजू में से आपको ऊपर खींचना है रखना नहीं है सिर्फ हाथों को खींचना है ऊपर आपके हैंड्स का अंतर हाथों का अंतर शोल्डर ज्यादा खुला नहीं होना चाहिए और ज्यादा चौड़ी नहीं होना चाहिए शोल्डर टू शोल्डर। अब हम करेंगे पिक्चर फोर पिक्चर फोर में वापस आपको नीचे आना है फिंगर लॉक करके एल्बो के बाजू में रखना है बिल्कुल बगल के बाजू में रखना है। अभी पिक्चर फाइव में आपको डाउन होना है उसके साथ दोनों हाथ को वही पोजिशन आपको जो फर्स्ट पोजिशन थी आपको वही पोजिशन पे आना है और उसके साथ आपको ग्राउंड करना है और दोनों हाथ के ऊपर अभी हम ग्राउंड पे करेंगे ये हो गया हमारा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वापस एक बार देख लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इस तरह से आप घर पर इसका अभ्यास कर सकते हैं। हमने वीडियो में तीन बार किया लेकिन आप घर पर इसका अभ्यास ज्यादा बार कर सकते हैं। तो आज की एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे समाप्त होती है।